कई बार हम लोग जब इकट्ठे होते हैं ना, और ठीक जैसे कि कार्ड दिया गया है और सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं आप सब लोगों का तहे दिल से ना शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमें बहुत मदद किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सर, आप भी आ जाए सर, साथ में आ जाए, साथ आ जाए। मैं गणेश दत्त, जी डी प्रोडक्शन, और अज का जो प्रोग्राम साढ़ा वो थिक टू थिन डांस अकैडमी ते जी डी प्रोडक्शन मिली है, असें इसी मना करने हैं। और साढ़ा मकसद है कि अपनी भाषा की जी डोगरी भाषा है, कश्मीरी भाषा है, पंजाबी भाषा है, जड़ी भी भाषा इतने बोली जाती है ना जम्मू कश्मीर से, अस उन्हें भाषा की अगे बधाने की कोशिश कराने हैं। तो उम्मीद है कि सारे लोग सहयोग देइए, असी अपना अपना जिन्ना भी योगदान देइए ना अपनी भाषा की, तो अपने कल्चर की अस जिंदा रखी सकते हैं, ये अस तुंदे कोला उम्मीद करने हैं। और अमित खोल साहब साढ़े जिन्हें खोले इंस्टीट्यूट, मैं इंदा बड़ा धन्यवादी हाँ कि इन्हें ये जरा एक पैर जरा पुटिया, और अस लोग इंटे शाना बिशाना चला करने, जिथे भी साड़ी वो है लोड़ है, जिथे भी असें लगता कि कम अस करगे तो अस वो कम करा करने। तो आने वाली जी पीढ़ी है ना उसी अस अपने कल्चर के बारे से अपना जो सभ्याचार साड़ा है उसी जिंदा रखना है, ये साड़ी जी है वो प्राथमिकता है। नाम तरुण शर्मा है, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का इस टाइम इंचार्ज हूँ कल्चरल सेल के, JNK का। आज JD इवेंट प्रोडक्शन कॉरपोरेशन, थिक टू थिन डांस एकेडमी और GD प्रोडक्शन की तरफ से आज बिग बी जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के बादशाह हैं, उनका आज हमारा 80th बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया गया, जिसमें हर टाइप के कलाकारों ने हिस्सा लिया, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ ने हिस्सा लिया, और हर फील्ड से यहाँ पर लोग आए हैं। और हमारा सौभाग्य कि हमें मौका मिला आज बिग बी का इधर बर्थडे सेलिब्रेट करने का। हम यही अपनी तरफ से प्रार्थना करते हैं भगवान से कि ऐसे ही वो और ज़्यादा फिल्में बनाते रहें, क्योंकि इंडस्ट्री को पहचान देने वाले बिग बी जो हैं वो काफ़ी सारी इस उम्र में भी वो फिल्में कर रहे हैं, और आगे भी उन्होंने बॉलीवुड को ज़िंदा रखा हुआ है, और वो और ज़्यादा अच्छी फिल्में करें ताकि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है और ग्रो करे, और जम्मू कश्मीर से भी हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करें। थैंक यू।